गांव के, हम अपने हाथ मांगे। हम नहीं है बिग पंप है, हम अपने हाथ मांगे। हम नहीं है बिग पंप है, हम अपने हाथ मांगे। हम नहीं है बिग पंप है, हम अपने हाथ मांगे। सर, हम वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी में पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं बैसे के डेली वेजेस। हम अपने कुछ महीनों से हम अपने वेजेस जो है उनसे महरूम रखा गया है, तो हमने पूरी तौर यहाँ के जो एओ साहब है अकाउंट ऑफिसर उनका दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक रिक्वेस्ट लिखी है सेक्रेटरीट को, जहाँ से 60 लाख रुपए का एक अच्छा सा अमाउंट हमारे जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अकाउंट है ग्रांटेड उसमें जमा हुआ है। जबकि जो वेजेस हम लेते हैं और सैलरी जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज लेते हैं एक ही अकाउंट से लेते हैं जिसको हम ग्रांटेड एड कहते हैं। तो हम जब अपने सीओ साहब के पास गए, उन्होंने एओ साहब को आदेश दिए कि सिर्फ इनको 3 महीने की सैलरी जो वेजेस है छोड़ा जाए। तो हम इसीलिए एहजाज पर है, जो बाकी 11 महीने की हमने ड्यूटी यहाँ पर बाजाबता तौर अपनी ड्यूटी 100% परफॉर्म की है, जिसकी अटेंडेंस बाजाबता तौर जिसका सबूत हमारे पास है कि जो जेई साहिबा ने उन्होंने बाजाबता तौर हमें अटेंडेंस दी है और एग्जाम तक उस पर साइन किया हुआ है। तो हम इसलिए एहजाज पर उतर आए हैं कि वो 11 महीने की जो सैलरी रुकी पड़ी है उसको फौरन से बेचकर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को जिनको स्कूलों से निकाला जा रहा है, कुछ एक की शादी है बहनों की, आप यहाँ आइए बताइए हमें बाप के बगैर, आप इंसाफ दिलाइए सर, आप बताइए ये क्या करेगा, इसके बहन की शादी है आने वाले कुछ महीनों में, जब ये 14 महीने इसको दिनों में 14 महीने की सैलरी नहीं लेगा तो ये कैसे अपनी बहन की शादी करेगा सर। जरूर हम मुतालबा करते हैं, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा कर रहे हैं कि जो सीओ साहब है उनको पूरी तौर आदेश दिए जाए, जो एक 11 महीने की रुकी पड़ी सैलरी है इसको फौरन से बेचकर हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। और अगर खुदा न खस्ता ऐसा न हुआ तो कल हम पूरे वेरीनाग इलाके को बंद करेंगे और हम अपने बाल बच्चों के साथ सड़कों पर उतर आएंगे। और अगर यहाँ कोई अनटूवर्ड हुआ द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हैपनेड टू द शोल्डर्स ऑफ सीओ वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी।